आजाद भारत का सबसे डरावना कांड। जब पति की चिता पर जिंदा जली थी एक विधवा। मैंने खुद ने देखा कि वो जल रही थी, उस वो जल रही थी और बैठी हुई थी चिता के ऊपर। जब बेमौत मारी गई थी रूप कमर। बॉडी पे घी डाल रही थी वो, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में तो मामला ही खत्म हो गया। जब लोगों की बेरहमी से थर्रा गई थी दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके बारे में बातें हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी बुराइयां हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका बहुत बड़ा एक भंडर मचा था। 31 साल बाद क्या कहते हैं रूप कमर के गांव वाले। यहाँ के लोग ना सती को किसी प्रकार की महिमा मंडन करते हैं, ना सती के पक्ष में किसी प्रकार की कोई रूपरेखा रखते हैं, लेकिन उसका दंड और दंश आज भी दिवराला के नागरिक भुगत रहे हैं। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। सती का शाप लोक। 31 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था एक खौफनाक कांड, ऐसा कांड जिसकी कहानी ने राजस्थान के एक छोटे से गांव को दुनिया के नक्शे पर ला दिया था। वो कहानी थी रूप कंवर की। वो रूप कंवर जिसे 31 साल पहले अपने पति की चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। वो रूप कंवर जिसे महज 18 साल की उम्र में पति की लाश के साथ जिंदा चला दिया गया था। सनसनी में आज देखिए 31 साल पहले हुए भयानक सती कांड पर एबीपी न्यूज की यह बड़ी पड़ताल, सती का शाप लोक। इकतीस साल बाद भी इस इलाके की किस्मत नहीं बदली है। आज भी जश्न के हर मौके पर यह गांव पुलिस की छावनी में बदल जाता है। आज भी लोगों की खुशियों पर यहां पुलिस का पहरा रहता है। आज भी किसी गली या नुक्कड़ पर जमा लोगों की भीड़ को पुलिस शक की नजर से देखती है। आज भी यहां रहने वाले लोग उस डरावने कांड के सवालों से बचते हैं जिसने 31 साल पहले देश ही नहीं पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। बीबीसी उस वक्त बोली थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके बारे में बातें हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी बुराइयां हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका बहुत बड़ा एक भंडर मचा था। जी हां, राजस्थान के इस छोटे से कस्बे देवराला की किस्मत आज भी बदली नहीं है। आज भी ये इलाका एक खौफनाक कांड की कीमत चुका रहा है। वो कांड जिसे देखने वाले लोगों के कानों में आज भी गूंजती है 18 साल की एक विधवा रूप कमर की चीख। 31 साल पहले इसी देवराला की विधवा रूप कंवर को पति की चिता पर जिंदा जला दिया गया था। मौत की दहला देने वाली उस घटना के बाद रूप कंवर को सती बताकर एक बर्बर कांड को महिमा मंडित करने का खूब प्रयास भी हुआ था, और ये उन्हीं नापाक कोशिशों का नतीजा है कि जिसने इस इलाके को बना दिया है सती का शाप लोक। दिवराला के अंदर धारा 144 आज भी लागू रहती है और यहाँ पे फोर्स का जमावड़ा लगा रहता है, जबकि यहाँ के लोग ना सती को किसी प्रकार की महिमा मंडन करते हैं, ना सती के पक्ष में किसी प्रकार की कोई रूपरेखा रखते हैं, लेकिन उसका दंड और दंश आज भी दिवराला के नागरिक भुगत रहे हैं। जश्न के किसी भी मौके पर पुलिस वालों की नजर, खुशी के हर लम्हे पर पुलिस का पहरा, देवराला के लोग 31 साल से उसी पाप की कीमत चुका रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया था। और अब जब पूरे राजस्थान में चुनावी घमासान मचा है, देवराला का ये दर्द बन गया है एक बड़ा मुद्दा। राजस्थान के चुनावी समर में हम पहुंचे हैं एक ऐसे गाँव जहां अब से 31 साल पहले हुई एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब भारत
21वीं सदी की दहलीज पर था। तब सीकर जिले के दिवराला गांव में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया में यही संदेश दिया कि भारत अब भी सदियों पुरानी कुप्रथाओं से उबरा नहीं है। यहां पर सती की एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की अपने पति की लाश के साथ जिंदा जल गई। 31 साल पहले देवराला की इन गलियों में आखिर क्या हुआ था? आखिर कैसे 18 साल की एक विधवा रूप कंवर को लोगों ने उसके पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया था? ये पूरी कहानी बताने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं साल 1987 में। तारीख थी 4 सितंबर। उस रोज देवराला के स्कूल टीचर सुमेर सिंह के घर हाहाकार मचा था। 7 महीने पहले ही सुमेर सिंह के जिस बेटे माल सिंह की शादी हुई थी अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। माल सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी रूप कंवर का तो रो रो कर बुरा हाल था। 18 साल की रूप कंवर अपने पति की मौत के बाद एकदम से टूट गई थी। और फिर खबर आई कि रूप कंवर ने भी पति की मौत के साथ ही अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। रूप कंवर के ससुराल वालों ने लोगों को बताया कि उनकी बहू ने बेटे की जलती चिता पर बैठकर सती होने का प्रण लिया है। और फिर हजारों लोगों की भीड़ रूप कंवर की मौत का मंजर देखने के लिए उमड़ पड़ी। तब उस दहला देने वाले कांड को पेशे से वकील भागवत गौड़ ने अपनी नजरों से देखा था। तो सुबह जब हमें 10 बजे का हमारे स्कूल का टाइम था तो वहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमारी प्रार्थना करवाने के बाद में हमारे से 2 मिनट का मौन करवाया था कि हमारे गांव के जो सुमेर सिंह जी शेखावत हैं उनके लड़के माल सिंह जो है उनकी जवान मौत हो गई है। मौन करवाने के बाद में हमारी छुट्टी कर दी गई थी। छुट्टी करने के बाद में जब मैं लौट के घर आ गया तो हम नॉर्मल जो एक बच्चे बचपन में जो खेलते कूदते उस प्रकार से हम हमारे घर के सामने खेल कूद रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति आया और उसने जो कौन थे वो मुझे आज याद नहीं है, तो वो आए और उन्होंने आकर के वहाँ पर बताया, जो महिलाएं थी हमारे मोहल्ले की उनको उन्होंने बताया कि वो सुमेर सिंह जी मास्टर हैं, उनके जो बेटे की बहू है वो सती हो रही है। ये सुनकर के हम भी वहाँ खेलते खेलते जब ऑन स्पॉट जाने के लिए निकले और हमारे मोहल्ले की जो औरतें वगैरह थी, जो भी बुजुर्ग थे, जो भी महिला लोग थे, वो वहाँ पर दौड़े। भागवत गौड़ के मुताबिक कंवर सती कांड के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन आज भी इनकी नजरों के सामने मौत का वो मंजर घूमता है। इनकी माने तो पति की शव यात्रा के साथ रूप कंवर को पहले पूरे इलाके में घुमाया गया था। और फिर शमशान घाट में पति की जलती चिता के साथ ही रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया। कि दिवराला का जो मेन मार्केट है उस मार्केट में जो रूप कंवर सती है वो होने के लिए जा रही थी, आगे आगे जो डेड बॉडी थी माल सिंह की उसको लेकर के चल रहे थे लोग, उसके जस्ट पीछे रूप कंवर सती चल रही थी और उसके पीछे भीड़ चल रही थी। भीड़ समथिंग 2-3 हजार आदमियों की संख्या थी, काफी लंबी चौड़ी भीड़ थी जो कि हमारे गांव में मैंने तो पहली बार देखी थी। हम भी उस भीड़ का हिस्सा हो गए थे। भीड़ का हिस्सा होने के बाद में जो शमशान घाट है जहां पर कि राजपूतों की जो डेथ हो जाती है उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता है, वहां पर वो रूप कंवर, वो डेड बॉडी और वो भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। काफी भीड़ होने के कारण और हम बच्चे थे तो हम देख नहीं पाए कि वहां पर आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने प्रयास करके आसपास के मकानों पर चढ़ करके जब हम मैं पहुंचा तो मैंने खुद ने देखा कि वो जल रही थी। उस दौरान वो जल रही थी और बैठी हुई थी चिता के ऊपर। भागवत गौड़ के मुताबिक दिल दहला देने वाले रूप कंवर सती कांड के वक्त इनकी उम्र काफी कम थी। हजारों लोगों की भीड़ की वजह से ही तब ये ठीक से देख नहीं पाए थे कि रूप कंवर ने आग खुद लगाई थी या उसे जबरन जलाया गया था। तो आपने जब उसको जलते हुए देखा तब वो क्या कर रही थी? क्या वो बचने की कोशिश कर रही थी, वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, या ऐसा लग रहा था कि वो स्वेच्छा से बैठी हुई है और खुद जो है अपने आप को और जल्दी जलाने के लिए कुछ प्रयास कर रही थी? देखो धुंधली याद है मुझे, काफी लंबा समय हो गया है, तो भागने का प्रयास तो मैंने देखा नहीं,
और शायद मेरी दूरी भी ज्यादा थी, अगर ऐसा वो प्रयास कर रही हो तो भी मेरी नजर में नहीं आया। लेकिन वहां पर मेरा जहां तक मैंने देखा था कि वो घी का लेप कर रही थी, अपने बॉडी पे घी डाल रही थी वो, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में तो मामला ही खत्म हो गया। राजस्थान के सीकर स्थित देवराला जयपुर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी इतना बड़ा कांड हो गया। हद तो तब हो गई जब रूप कंवर को जिंदा जलाने के बाद इसे महिमा मंडित भी किया जाने लगा। देवराला में रूप कंवर के ससुराल वालों के साथ ही ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो इस बर्बर कांड पर फक्र महसूस कर रहे थे और लोगों को सुना रहे थे रूप कंवर की मौत की झूठी कहानी। ऐसे ही एक शख्स ने तब मीडिया को बताया था, 15 मिनट तक रूप कंवर ने चिता की परिक्रमा की, हमने उसे बताया कि जल्दी करो नहीं तो पुलिस आ जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा फिक्र न करो। फिर वो चिता पर चढ़ गई और पति का सिर गोद में रखा। माल सिंह के छोटे भाई ने माचिस लगाई लेकिन आग नहीं पकड़ी, आग तो अपने आप पकड़ी थी। रूप कंवर सती कांड ने 31 साल पहले पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो परंपरा के नाम पर इस पाप कांड को महिमा मंडित कर रहे थे। ऐसे लोगों की नजरों में इस मामले को गलत ठहराना या इसका विरोध करना राजपूताना संस्कृति के खिलाफ था। और फिर ऐसे ही लोगों ने रूप कंवर को सती बताते हुए उसकी महिमा के गीत गाने शुरू कर दिए। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 31 साल पहले सती प्रथा के नाम पर रूप कंवर को जिस तरह से जलाया गया था वो एक जघन्य अपराध है। आरोप है कि तब इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने इसे धार्मिक मामला बताते हुए टालने की कोशिश की थी। नतीजा ये रहा कि रूप कंवर की मौत के बाद गांव में उसी ठिकाने पर चुनरी महोत्सव का आयोजन हुआ जहाँ वो जली थी। इस आयोजन की वजह से ही पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर गई। राजस्थान के अलग अलग इलाकों से राजपूत समाज के लोग इस चुनरी महोत्सव में शामिल हुए और फिर तमाम महिला संगठनों ने सती प्रथा को इस तरह से महिमा मंडित किए जाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। महिला संगठनों के भारी विरोध और दबाव की वजह से आखिरकार सरकार हरकत में आई और इसके बाद ही रूप कंवर की हत्या और सती प्रथा के महिमा मंडन के आरोप में रूप कंवर के ससुराल वालों और गांव वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। कि जिस रोज सती हुई थी और सती मुख्य बाजार से निकलते हुए गई थी, उस वक्त देवराला के ज्यादा भी नहीं तो लगभग 80-85 आदमियों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे को दर्ज लेकर के लोग 3-3 महीने तक जेल भी जाकर के आए। सती प्रथा एक अभिशाप है। सती प्रथा किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग है। इसलिए रूप कंवर सती कांड ने 31 साल पहले पूरे देश को दहला दिया था। राजस्थान पुलिस में हड़कंप मच गया था। इस जघन्य कांड का महिमा मंडन करने के आरोप में पुलिस ने कई स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। करीब 15 साल तक यह मुकदमा अदालत में चला और फिर सबूतों और गवाहों के अभाव में सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रूप कंवर सती कांड में जितने आरोपी थे वो सभी अब बरी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी देवराला इस जघन्य कांड की कीमत चुका रहा है। देवराला के लोगों के दर्द की ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए देवराला में रूप कंवर की तरह ही मौत की भेंट चढ़ी कुछ और विधवाओं की कहानी। रूप कुंवर के सती होने का मामला दुनिया भर में चर्चित हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि रूप कुंवर के सती होने से पहले इसी गांव में सती के 3 और भी मामले हो चुके हैं। रूप कंवर से पहले इसी गांव में जुमा कंवर, मिठ कंवर और कुंदन कंवर नाम की महिलाएं सती हो चुकी हैं, जिनके चबूतरे आज भी गांव के सती स्थल पर मौजूद हैं। मतलब यह कि सती के नाम पर मौत की भेंट चढ़ी रूप कंवर अकेली विधवा नहीं थी। रूप कंवर की तरह ही 3 और महिलाओं को भी देवराला में मौत की चिता में झोंक दिया गया था। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे परंपरा के नाम पर होने वाले सती कांड के बाद कैसे बदल गई देवराला के लोगों की जिंदगी। रूप कंवर, राजस्थान के देवराला में रहने वाली 18 साल की वो विधवा जिसे पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया गया था। 31 साल पहले इस जघन्य कांड ने पूरे देश को दहला दिया था।
और तब से आज तक देवराला के लोग चुका रहे हैं इस बर्बर कांड की कीमत। पति के शव के साथ बैठी रूप कंवर की यह तस्वीर आज भी उस बर्बर सती कांड की याद दिलाती है जिसने 31 साल पहले पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। 31 साल पहले पति की चिता के साथ ही रूप कंवर को जिंदा जला दिया गया था और अब देखिए 31 साल बाद की ये कहानी। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित रूप कंवर सती कांड के पूरे 31 साल बाद जब देवराला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इन बीते 31 सालों में देवराला में बहुत कुछ बदला भी है और बहुत कुछ नहीं भी बदला। जो गांव नारी अत्याचार के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था वहां आज नारी सशक्तिकरण की मिसाल भी देखने को मिल रही है। रूप कंवर के सती होने के बाद से यहां 3 बार महिला सरपंच चुनी गई हैं और अब जरा मिलिए रूप कंवर के ससुर सुमीर सिंह से। इन बीते 31 सालों में सुमीर सिंह टूट चुके हैं। बड़े बेटे माल सिंह और रूप कंवर के सती कांड के बाद इनके छोटे बेटे और पत्नी की भी मौत हो चुकी है। रूप कंवर को सती होने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सुमीर सिंह आज खुद सती प्रथा का विरोध करते हैं। केस चला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में भी है भाई। आप संदेश देना चाहते हैं कोई समाज को तो आप सती प्रथा के बारे में क्या बताएंगे लोगों को? नहीं होना चाहिए। रूप कंवर सती कांड के बाद देवराला के लोगों का दावा है कि अब कोई यहां सती प्रथा को महिमा मंडित नहीं करता, कोई भी सती स्थल पर पूजा के लिए नहीं जाता। लेकिन जिस जगह पर रूप कंवर को जिंदा जलाया गया था जब जितेंद्र वहां पर पहुंचे तो कहानी कुछ और ही नजर आई। छानबीन में जितेंद्र को सती स्थल पर पूजा की सामग्री पड़ी मिली। अब भी कुछ लोग कानून तोड़ रहे हैं। 1987 के सती प्रतिबंधक कानून के तहत सती का समर्थन करना, उसका मंदिर बनवाना, पैसे इकट्ठे करना या किसी भी तरह से सती का महिमा मंडन करना अपराध है। यही वजह है कि हर वक्त इस गांव पर पुलिस की नजर बनी रहती है। पुलिस ने यहां एक स्थायी पुलिस चौकी भी बना दी है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 4 सितंबर को और हिंदू कैलेंडर की तिथि के मुताबिक जब भी रूप कंवर की बरसी होती है यह गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। गांव के किसी भी घर में अगर जश्न का कोई मौका होता है तो पुलिस उसे भी शक की नजर से ही देखती है। प्रशासन का मानना है कि चार लोगों से ज्यादा अगर व्यक्ति वहां पे इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कि सती को महिमा मंडन को लेकर के कोई सती का जयकारा नहीं लगा दे या इस प्रकार की कोई घटना नहीं घट जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्रकरण सती रूप कंवर का हुआ था। सन 2002 के अंदर मेरे को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था और 2000 में मेरे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो यहाँ के एडिशनल एसपी और डिप्टी साहब ने मेरे को बुला करके कहा कि तू अपने घर पर ना तो बाजा बजाएगा और नहीं कि इस प्रकार की तेरी औरतें कुआ पूजन करने के लिए निकलेंगी। मैंने जो कहा कि सर आज के 20-25 साल पहले अगर दिवरा के अंदर कोई घटना घटी है और उसका दंड हम क्यों भुगते हैं, हमें आप इसका दंड क्यों देना चाहते हैं, तो हम हमारे घर के अंदर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, एक सामाजिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसे हम आप क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। बाजा वालों को भी प्रशासन ने मना कर दिया कि अगर आप वहां जाकर के बाजा बजाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। गांव वाले इस पुलिसिया निगरानी को प्रताड़ना के तौर पर लेते हैं। यहां बीजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक जबर सिंह खर्रा और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों से गांव वाले बस यही मांग कर रहे हैं कि बीते 31 साल से पुलिसिया निगरानी के नाम पर हो रही प्रताड़ना बंद की जाए। मैं यहाँ के जो भी प्रतिनिधि, जो भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस रोज सती दिवराला में हुई थी, रोज जो डेट आती है और उस दिन के ऊपर दिवराला के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रशासन का लमाजमा यहाँ रहता है उससे लोगों में डर बना रहता है, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के 32 साल पहले जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर के आज भी दिवराला के नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए वो कोई ना कोई कदम उठाएं। राजस्थान का इतिहास वीरता की कहानियों से लबरेज है। राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं रंगों और उत्साह से भरपूर हैं, लेकिन इसी का विरोधाभास
राजस्थान के इतिहास में सती जैसी प्रथा के तौर पर देखने मिलता है। राजस्थान के दिवराला गांव से कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज। सनसनी में अभी बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।